25 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ देने वाली एक्ट्रेस का आज जन्मदिन है। जिया खान का असल नाम नफीसा खान था। आज जिया खान हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने छोटे से करियर में वो काफी प्रभावशाली काम करने में कामयाब रही। 2013 में उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। उनकी लाश उनके जुहू वाले घर में मिली थी। आइए बताते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान ने बॉलीवुड में कम समय में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म निशब्द से डेब्यू करने वाली जिया खान मूल रूप से अमेरिकन ब्रिटिश नागरिक थीं। 20 फरवरी 1988 को जन्मी जिया का असली नाम नफीसा था। इनके पिता अली रिजवी खान एक भारतीय अमेरिकी रहे, वहीं इनकी मां रबिया अमीन एक एक्ट्रेस रहीं, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। जिया खान लंदन में एक फेमस ओपेरा गायिका थी। 15 साल की उम्र में 6 पॉप गानों का अभिलेखन भी किया था। इसके अलावा और वे सालसा, जैज, कथक, बैले, रेगी और बेली डांस में भी उन्हें महारत हासिल थी। इसके बाद जिया खान कई बड़े सपने लेकर हिंदुस्तान आई। वह उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला देखकर काफी एक्साइटेड हुई थी। इसके बाद वह भी पूरी तरह से नायिका बनने की राह पर निकल पड़ी। जिया ने मनीषा कोइराला की फिल्म दिल से बाल कलाकार का रोल किया था। इसके बाद 16 साल की उम्र में मुकेश भट्ट की फिल्म तुमसा नहीं देखा में काम का मन बनाया। हालांकि बाद में उनके पीछे हटने पर दिया मिर्जा ने ये रोल प्ले किया। इसके बाद वे फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन के साथ भूमिका नजर आईं। इसके बाद वह फिल्म गजनी में आमिर के साथ नजर आई थी। उनकी लास्ट फिल्म हाउसफुल थी। बॉयफ्रेंड सूरज पांचोली के साथ अनबन वाले रिश्तों को लेकर चर्चा में रहने वाले जिया ने 3 जून 2013 को सबको निशब्द कर दिया। वह जुहू स्थित सागरता नगर अपार्टमेंट में अपने निवास पर फांसी के फंदे पर झूलती हुई पाई गई। जिया खान के इस आत्महत्या के मामले में उनके बॉयफ्रेंड सूरज पांचोली का नाम आया। कहा जाता रहा है कि सूरज से उनके संबंध काफी खराब हो गए थे, जिसकी वजह से वे अकेलेपन व डिप्रेशन जैसी चीजों से परेशान थीं। जिया हवा के हल्के झोंके की तरह आई और फिजा में अपनी खुशबू बिखेर कर चली गईं।